अगर सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है इसमें, तो फिर और सरकार को हम यहाँ से हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं और नवंबर में जो डेट दिया उस पर काउंसलिंग शुरू हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में नौकरी के लिए सड़क पर उतरना होता है, बिहार में नौकरी मांगने के लिए छात्रों को डंडे खाने होते हैं, छात्रों को सरकार और प्रशासन की धमकी सुननी होती है क्योंकि उनकी आवाज़ लग रही है नौकरी के लिए। वो किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतरे हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना ही वो किसी मंत्री के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। उनकी आवाज़ सिर्फ इतनी है कि उन्हें रोज़गार चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, और वो नौकरी के लिए सरकार से जब आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, उन्हें जेल भेजने की बात कही जाती है। और इसी मुद्दे पर इस महा आंदोलन जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों ने किया, उसे संबोधित कर रहे हैं दिलीप कुमार। और दिलीप कुमार ने छात्रों से क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे और गलत जाऊंगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, उससे पीछे हम कभी नहीं हटेंगे। आपको जो आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन हमें इस बात की खुशी हुई कि जो लोग भी छात्र हम पे आरोप लगा रहे थे मेरे काम से प्रभावित होकर, उन लोगों ने खुद ये कह दिया कि आप पे जो हम आरोप लगा रहे थे वो गलत था। तो आपके लिए दिलीप कुमार हमेशा तैयार है, खून पसीना तो बहा ही रहा है, जान भी देना पड़ेगा तो हम दे देंगे, लेकिन जान ऐसे नहीं देंगे। ऐसे कैसे जान दे देंगे जी, ऐसे दे देंगे जान? इतना आसान है? आखिर 8 मार्च से पहले हम अकेला थे, लेकिन 8 मार्च के बाद हम भी किसी की जान हो चुके क्योंकि हम शादीशुदा हो चुके हैं। फिर भी हम उसकी परवाह किए हुए आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो जान भी देंगे उस सेंस में, जबकि बिहार के छात्रों को सही में न्याय मिल जाए। सरकार तो चाहती है कि दिलीप कुमार कब रास्ते से हट जाए, तो प्रयास करिए रहिए, जोर और जितना जोर जुलूम करना है करिए रहिए, 10 तरह का FIR से तो करिए रहिए, हो सकता है आज भी FIR दर्ज कर दे तो कर दे। लेकिन देखिए, अब हमारा यही कहना है कि जो BSSC का मुद्दा था वो डिमांड हम लोग का पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब जो मुद्दा है रैंक लिस्ट जारी करना और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करना, फर्जीवाड़ा रोकना, तो इसके लिए आज ये आवाज़ उठ चुकी है सारे नेशनल चैनल पे, और इसके बाद भी हम लोग रुकेंगे नहीं। दिलीप कुमार बैठा नहीं रहेगा, अभी के बाद भी हम प्रेशर बनाएंगे मीडिया के माध्यम से और सरकार के हर लोगों से जाके बात करेंगे और ज्ञापन देंगे, मांग को रखेंगे, और सब पार्टी कार्यालय हम जाएंगे, सब नेता के पास जाएंगे कि इस मुद्दा को उठाए, और ये मुद्दा आपका हर जगह चल रहा है आज। तो अगर सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है इस पर, तो फिर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आप लोग तैयार रहिए और पढ़ाई भी कीजिए, आगे जो भी एग्ज़ाम है उसका, आगे जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी कीजिए। PSSC और सरकार को हम यहाँ से हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। विनती इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारी मांग को मान जाइए, और जब नहीं मानिएगा तो चेतावनी भी है कि हम लोग हमारा अनशन करेंगे। तो आप लोग जाइए, पढ़ाई भी कीजिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और स्टूडेंट्स को भी अपने साथ जोड़िए, और नवंबर में जो डेट दिया उस पर काउंसलिंग शुरू हो जाए, अन्यथा इस BSSC को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने, दिलीप कुमार साफ तौर से ये बात कह रहे हैं, वो छात्रों से एक तरह से कहा जाए तो वो संबोधित करते हुए कई तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उनकी आवाज़ को सुने 10 से 15 दिन का उन्होंने समय दिया है, और अगर इस बीच में सरकार सुन लेती है तो ठीक, वरना उन्होंने आमरण अनशन करने की बात कही है, और सरकार को एक तरफ विनती किया है बात सुनने का, तो वहीं धमकी दी है कि अगर नहीं सुनेगी सरकार तो वो आमरण अनशन करेंगे। बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन बेरोज़गार छात्रों की मांग है कि उन्हें रोज़गार दे, वो उनके भविष्य को संवारे, जबकि धमकी दी जाती है प्रशासन द्वारा कि उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा, जबकि इनका भविष्य पहले से ही BSSC ने बर्बाद किया हुआ है। 8 साल के करीब गुजार दिए गए, यानी दशक लगभग गुजरने वाला है, और एक नौकरी की जंग ये लड़ रहे हैं, ये मांग रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ सरकार करेगी, क्या सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी, और अगर सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुनेगी तो क्या ये छात्र नौकरी की मांग में ऐसे ही सड़कों पर धरना देते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो बिहार वो धरती है जिस धरती ने न सिर्फ बिहार बल्कि
दुनिया में शिक्षा देने का प्रचलन शुरू किया यहीं से। नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहीं से लोगों ने शिक्षा प्राप्त की दुनिया से आकर, मगर आज वो जंग में है, वो भविष्य बिहार का आज सड़कों पर है। और सड़कों पर आप देख रहे हैं कि कैसा ये बिहार का वो भविष्य है जो भविष्य बिहार को संवार सकता है, मगर अभी भी सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।